सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी का टूल्स क्या है? फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी क्या है सर? रियल इन्वेस्टमेंट को ही हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फिजिकल इन्वेस्टमेंट को हम इंड्यूस इन्वेस्ट सॉरी फिजिकल इन्वेस्टमेंट को हम रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैंने लिखा है ना पीछे, जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट होता है उसको रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है जी? अब बच्चे समझते हैं हम कि फिस्कल पॉलिसी के बारे में समझते हैं क्या होता है। भाई साहब फिस्कल पॉलिसी समझ लीजिए एक बार आप। गवर्नमेंट बजट तो आपके टॉपिक में भी है नहीं फिलहाल, ये हम जो है कल की कक्षा में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे विद न्यूमेरिकल्स। पक्का न्यूमेरिकल्स यहाँ से आना है आपका, तो कल की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे 2 यूनिट रह जाते हैं बस। हाँ जी, तो मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? फिस्कल फिस्कल पॉलिसी। भाई साहब इतनी बार हैंड रेस कर रहे हैं ना, पूरी क्लास में बीच में साउंड पे साउंड आ रहा है। अगर आप अपने रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर देखिएगा, आपकी क्लास लगाऊंगा। हाँ जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? आप पूछ नहीं रहे कुछ? देखिए बच्चे, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? आपने आपको पता है क्या? बजट हर साल आता है गवर्नमेंट का, हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट स्टेट के लिए पेश करती है हर एक साल, और आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना बजट पेश करती है। मेरा कहने का मतलब है दिल्ली सरकार दिल्ली का बजट निकालती है। एक बजट होता क्या? एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। फॉर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब होता है? फर्स्ट ऑफ अप्रैल से 31st ऑफ मार्च। ये पूरे एक साल का गवर्नमेंट बजट निकालती है। इस बजट को कौन कौन निकालती है? बजट को निकालने वाले कौन कौन से लोग हैं? इस बजट बजट में होता क्या है? ये एक तरीके से इनकम बजट में सरकार गवर्नमेंट क्या बताती है? गवर्नमेंट अपने इनकम के बारे में बताती है, एस्टिमेशन इनकम कह सकते हैं, एस्टिमेटेड इनकम। अब 2023 का बजट आया और 2023 में इनकम थोड़ी हो गई, 2023 तो अभी चल ही रहा है भैया। अब जो बजट आया था 2023 के लिए बजट आया था ना, 2023 तो अभी शुरू ही हुआ है, बात समझिएगा। 2023 तो अभी शुरू होगा, 31 मार्च भी नहीं है अभी तो होगा, बट इसका बजट आ चुका। अब जब 2023 तो अभी शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर, बट इस पर सरकार को कैसे पता लग गया कितना इनकम होगा, कितना खर्चा कहाँ कहाँ पर हो गया है? तो सरकार एक एस्टिमेशन लेती है ना पिछले ईयर के एक्सपीरियंस से, एक एक अंदाजा लगाती है कि भैया इतना इनकम हम करेंगे। तो एस्टिमेटेड इनकम होता है ये, ना कि इनकम होता है। क्लियर है? ठीक है, बात समझे? एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बात समझे? फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट ऑफ सॉरी स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड स्टेटमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सरकार अपने पास में आपको पता है एक अटैची में लेकर के आती है बजट, पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, तो उसमें रीड करती है, तो वो एक स्टेटमेंट होता है जो कॉपी लेकर के आती है, और उस कॉपी उस स्टेटमेंट में क्या होता है? एस्टिमेटेड इनकम के बारे में बात कर रहे होते हैं वो, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इतनी इतनी इनकम हमारे पास में आएगा
और इतना इतना हमारे पास में एक्सपेंडिचर, इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ पर एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, इतना इतना पैसा हम खर्च करेंगे। तो एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली ये एक तरीके से क्या है, इनकम को मैं रेवेन्यू बोल सकता हूं यहां पर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम होता है। बेसिकली क्या होता है, ये गवर्नमेंट उस दिन जिस दिन बजट पेश करने आती है, एक तरीके से रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम बताती है अपना, कि हमारा रिवेन्यू कहाँ कहाँ से कितना कितना आएगा और हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर कितना कितना जाएगा। क्लियर है? इसमें कुछ चीजें होती हैं। अब सवाल ये है मेरा, मेरा क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट आर द टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। पहले मैं इसका आंसर कर दूं आपको, है ना। फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट अपने बजट में जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम चलाती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। क्लियर है, बात समझे। एंड हाउ आर द टूल्स यूज टू फिल द इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन क्या होता है, तेजी भी कहते हैं इसको, इन्फ्लेशन वो हिंदी में क्या बोलते हैं, तेजी। और इसको, इन्फ्लेशन को हम महंगाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महंगाई। तो सवाल यह कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी होता क्या है और महंगाई को दूर करने में फिस्कल पॉलिसी की क्या भूमिका है, कि फिस्कल पॉलिसी क्या, किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, कंटिन्यू करें। तो सवाल क्या है कि फिस्कल पॉलिसी क्या है और इन्फ्लेशनरी गैप को इससे कैसे हैंडल किया जाता है, फिस्कल पॉलिसी क्या है और महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल में लाया जाता है फिस्कल पॉलिसी से। सबसे पहले आपको महंगाई को कंट्रोल बाद में करना है, पहले आप इन्फ्लेशन को समझ जाइएगा, आप पहले तेजी का मतलब समझिए, बाद में इसको कंट्रोल कीजिएगा। जनरली बच्चे होता होगा क्या तेजी में, उस बात को समझिएगा। देखिएगा तेजी क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, पूरी स्ट्रेंथ पे काम कर रही है, और आपको पता है कि हमारे रिसोर्सेस क्या लिमिटेड है, और हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है, हम अपने रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। समझे क्या कह रहा हूं मैं आपसे, मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर इन्फ्लेशन के बारे में। पहले समझिए टॉपिक के, इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, फुल्ली यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेस को हम फुल यूटिलाइज कर रहे हैं, जितनी लैंड यूज कर सकते थे कर रहे हैं, जितना लेबर यूज कर सकते थे हम कर रहे हैं, जितना कैपिटल हम यूज कर सकते थे कर रहे हैं, जितना हम लेबर यूज कर सकते कर रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, बेसिकली रिसोर्स में क्या चीजें आ जाती हैं, रिसोर्स में आ जाती हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसका क्या हो रहा है, इसका हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो फुल्ली यूटिलाइज करने का मतलब ये हुआ कि जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसको और इनहेंस करने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, और उस प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी सारा लैंड हम यूज में ला चुके हैं, सारे लेबर हम यूज में ला चुके हैं, सारा कैडल लगा चुके हैं, सारे एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। तो अब उसके बाद और क्या रह गया जिसको लगा करके मैं अपने प्रोडक्शन को में ग्रोथ दे सकता हूं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज है, इकोनॉमी अपने रिसोर्स को फुल यूटिलाइज कर रही है। और उसके बाद भी डिमांड हमारा बढ़ता है, एक्सेस डिमांड हो जाता है, मतलब कि डिमांड हमारी जो है वो उसके बाद भी,
डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाए। अभी तक क्या है, अभी तक अगर आप मान लीजिए छोले भटूरे खाने जाएंगे तो आप दो भटूरे खाते हैं, बोलते हैं भैया एक छोले और दे दो, उस पे पड़ा हुआ है सप्लाई करने के लिए, वो एक भटूरे बना करके आपको, छोले भटूरे खाने जाते हैं दो भटूरे लिया आपने, बोला भैया एक भटूरे और दे दो, तो उसने क्या करा दोबारा एक भटूरा बनाया दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब उसके पास में देने के लिए कुछ है ही नहीं, सप्लाई हो चुकी और अब आप कह रहे भैया एक भटूरे और दे दो, तो इस सिचुएशन में क्या क्रिएट होगा? मतलब कि जब हमारा और चीजों का प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं और सप्लाई से ज्यादा डिमांड पहुंच जाए तो क्या होगा, यहां पर कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा। क्लियर है? क्या होगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कंपटीशन क्रिएट्स अमंग द बायर्स। क्लियर है मेरी बात? समझे? तो कंपटीशन क्रिएट्स अमंगस्ट द बायर, मतलब कि जो खरीदार होंगे, जब चीजें, एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब कोविड में लॉकडाउन की सिचुएशन, या हम सुन रहे थे 2019 में चाइना में कोरोना आया, कोरोना आया और फिर दिल्ली में एक आधा केस आए थे, तो फिर मास्क एंड सैनिटाइजर के लिए तरफ लोग भाग रहे थे, डिमांड ज्यादा थी सप्लाई थी नहीं, तो जो कंज्यूमर है इसके बीच में क्या हुआ, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया और कंज्यूमर लेने के लिए टूट के पड़ रहे थे। अब वो कंज्यूमर को मिल पाएगा जो इसके लिए ज्यादा ऑफर कर रहा है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। क्या होगा? प्राइस विल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। क्लियर प्राइस जो है क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली वे में इंक्रीज होगा, लगातार कीमत बढ़ती चली जाएगी। और किसी भी प्रोडक्ट की कीमत एक बार बढ़ जाना उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। बात समझे? अब मेरी फीस बढ़ गई, आपको भैया महंगाई आ गई देश में, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। जब कंटिन्यूसली किसी कम्युनिटी, जब इकोनॉमी में बहुत सारी कम्युनिटी की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तब कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। अब सबसे पहली बात है कि ये क्यों होता है, वाई क्यों होता है, रीजन क्या है? इससे बड़ा रीजन ये है व्हेन पीपल हैव मनी, ये कब, जब लोगों के पास में पैसा होता है, व्हेन पीपल हैव मनी, जब लोगों के पास में पैसा होगा तो क्या होगा, ड्यू टू हैव मनी इट्स इंक्रीज परचेसिंग पावर। क्लियर है? देखिए ये यहां से कहानी शुरू होती है, पूरी कहानी समझिएगा। जब लोगों के पास में पैसा होता है तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, परचेसिंग पावर बढ़ने से लोग डिमांड करने निकल जाते हैं। अब लोग जब डिमांड करने के लिए जब निकल जाते हैं तो वहां पर सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो जाती है, और फिर वहां पर कॉम्पिटिशन कंज्यूमर में क्रिएट हो जाता है, और फिर प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अरे कौन इतना याद करता है, पैराग्राफ पैराग्राफ में पॉइंटों में सुंदर सुंदर आंसर लिखेंगे ना, बहुत अच्छे आंसर आपके आ जाएंगे। पेपर बताइए, इन्फ्लेशन समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? पहले समझिए इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा होता है तो परचेसिंग पावर ज्यादा होती है, तो भैया वो डिमांड करने लग जाते हैं। पैसा आपके पास में ज्यादा आ जाएगा तो आप कार 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 ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, और क्या, और चलते हैं नाइट को कुछ खाने के लिए, चलते हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, चलिए ट्रिप पे चलते हैं। पैसा होने से, परचेसिंग पावर होने से डिमांड लोग की बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि डिमांड आपका जो है सप्लाई से ज्यादा चला जाता है, कंज्यूमर में फिर कंपटीशन क्रिएट होता है बाय करने को लेकर, प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। पहले इन्फ्लेशन समझ में आया आपको? अब ये इन्फ्लेशन तो आ गया, अब आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितनी, इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है, भयंकर स्थिति तो है ही, क्योंकि हमारे देश में अगर मान लो लगभग लगभग 30% लोग
अगर ऐसे हैं जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है। खैर ये डाटा ऐसा कहते हैं, बहुत सारी कंट्रियों में भी डाटा चलता है कि हमारे देश में 30% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 140 करोड़ की आबादी है तो बहुत बड़ा, लगभग लगभग आपका जो है 42 करोड़ की आबादी ऐसी गरीबी रेखा के नीचे। का मतलब क्या होता है देखिए, पॉवर्टी लाइन क्या होता है? अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने रोटी कपड़ा और मकान का ही बंदोबस्त कर पा रहे हैं, अपने बेसिक नेसेसिटीज को ही फुलफिल कर पा रहे हैं। बेसिक नेसेसिटीज के अंदर क्या आता है? रोटी कपड़ा मकान, मतलब घर, और आपके लिए खाने के लिए आपके लिए अन्न, और आपको तन ढकने के लिए कपड़ा। ये तीन चीजों को अगर आप किसी तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन पर हैं, और अगर आप ये तीनों को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिलो दी पॉवर्टी लाइन हैं। क्लियर है? तो कहते हैं कि हमारे देश में लगभग लगभग 42 करोड़ की आबादी ऐसी है जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, जिस जो अपने लिए 2 वक्त का खाना भी अरेंज नहीं कर पाती है, या फिर उनके पास में घर नहीं है, या फिर उनके पास में कपड़ा भी अपने लिए वो अरेंज नहीं कर पाती है। ऐसा कहते हैं, ये एक डेटा है, सरकारी डेटा है ये। बेटा इस डेटा पे मत जाओ। ऐसा मैं ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है कि डेटा सही नहीं है। क्यों? हमारे देश में तो आदत है लोगों को। अब देखो स्कूल में अगर फ्री में जूते मिलने लग जाएं या शर्ट मिलने लग जाएं, अपने स्कूल टाइम में देखा होगा, तो सबके सब गरीब बन जाते थे। पापा की सालाना इनकम कितनी है? 12,000 रुपए है, देख लो भैया। और रजिस्टर पे चढ़ता भी था भाई, सालाना 12,000 रुपए इनकम का मतलब क्या हुआ? महीने का 1,000 कमाते हैं क्या? सालाना इनकम कितनी है? 25,000, 30,000, 80,000, 60,000, 1,20,000 बोल दिया तो भाई, ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने? तो डाटा कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड होता है, लोग कहीं ना कहीं छुपाते हैं अपने इनकम को, उसी वजह से इतना भारी भरकम डाटा आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जो पॉवर्टी ब्लो लाइन से नीचे होते हैं ना, या उस लाइन पर होते हैं, उनका राशन कार्ड बना हुआ है, ताकि सरकार जिम्मेदारी लेती है कि हम हमारे होते हुए हमारे देश के नागरिक भूखे नहीं मरे। तो 2 रुपए किलो आटा, 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो आटा है, 2 रुपए किलो चावल है, और चीनी वगैरह ऐसे ही है। तो सरकार उस परिवार को ये राशन मुहैया करवाती है, जो भी बिलो दी पॉवर्टी लाइन है वो अपना एक राशन कार्ड बनवाती है, मतलब कि तरीके से प्रमाण पत्र है जो इस बात को बताती है कि हम अपने लिए अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग अपने लिए इस तरीके के जो है प्रमाण पत्र, इसको हम राशन कार्ड कहते हैं, वो बनवाती है, और उस राशन कार्ड के तहत सरकार क्या करती है, इन सभी लोगों को जो है सुचारू रूप से अनाज जो है उपलब्ध करवाती है, ताकि इन लोगों के लिए 2 वक्त के खाने का कम से कम तो इंतजाम सरकार की तरफ से, सरकार के माध्यम से किया जा सके। हमारे देश में ऐसा होता है, ठीक है ना भैया? दिल्ली में भी होता है, गांव में भी होता है, हर जगह होता है ऐसा। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट वो खा जाए तो वो एक अलग बात है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो मुहैया करवाया जाता है। दिल्ली में तो होता ही है, खैर जनरली देखते ही हम। तो अब आप भी दिल्ली के ही हैं, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट, अब आप सच्चाई से बता दीजिएगा, आप में से बहुत घर पर राशन कार्ड होगा, ठीक है ना? लेकिन आप में से किसी की भी स्थिति ऐसी नहीं है जो अपने लिए 2 वक्त का खाना भी अरेंज नहीं कर पाए, और राशन कार्ड उनके पास में भी है जिनके पास में जो है 10-10 लाख रुपए की कार है, राशन कार्ड उनके पास में भी है जिनके पास में 2-2-3-3 करोड़ रुपए के घर हैं, उन सबके पास राशन कार्ड मिलेंगे। इसलिए वो 30% और 42 करोड़ का डाटा सरकार के पास मिला हुआ है, इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और इस वास्तविकता से बहुत दूर है। हाँ, कुछ कुछ राज्य, बिहार, झारखंड, राजस्थान में कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर स्थिति हो, मैं नहीं कह रहा स्थिति नहीं है, लेकिन इतना बड़ी मात्रा में स्थिति नहीं है, ये सच्चाई है। क्लियर है? इसको अपडेट होने की नीड है। तो खैर, बात मैं यहां पर किसी चीज कर रहा था कि हमारे देश में अगर इतनी बड़ी आबादी, या फिर कुछ लोग भी जो गरीबी रेखा से पर हैं, किसी तरीके से वो अपने 50 रुपए की आमदनी से, मान लीजिए दिन के 50 रुपए की आमदनी से, अपने लिए किसी तरीके से वो 2 वक्त का भोजन का इस्तेमाल कर पा रहा है, और वही कीमत बढ़ जाए, वो चीज 100 रुपए की हो जाए, तो अब वो 2 वक्त की जगह और एक एक वक्त पे आ जाएगा। तो जो लोग पॉवर्टी लाइन पर थे ना, इन्फ्लेशन आने से क्या होता है कि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, चीजें महंगी हो गई। तो पर सरकारी नौकरी थोड़ी है उनकी, जो इन्फ्लेशन आया तो उनका डीए भी बढ़ गया, उनका तनख्वाह भी बढ़ गई। प्राइवेट नौकरी है, इन्फ्लेशन से मतलब ही नहीं प्राइवेट नौकरी का, वो तो अपनी सैलरी वही रखेंगे, वही वेजेस देंगे। तो अगर मैं किसी तरीके से अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पा रहा हूं, लेकिन इन्फ्लेशन आ गया, अब उतने ही पैसे में मैं उतनी चीजों को नहीं ला पाऊंगा, तो मैं जो पॉवर्टी लाइन पर था, मैं बिलो दी पॉवर्टी लाइन हो गया। तो इन्फ्लेशन का एक हार्म यही पहुंचता है इकोनॉमी में, कि भारत में मतलब कंट्री इकोनॉमी में गरीबों की संख्या बढ़ती है, लोगों की लाइफ की क्वालिटी जो है वो बैकवर्ड जाती है।
तो कहीं ना कहीं हर इकोनॉमी यही चाहेगी कि भैया, हर इकोनॉमी क्या चाहेगी, गवर्नमेंट जॉब वालों को तो मिलता है ना, हर साल दो बार सैलरी बढ़ जाती है महंगाई बढ़ने की वजह से, 3 से 4 हजार, 4 हजार रुपये, 3 हजार रुपये, ऐसे हर साल बढ़ता है ये तनख्वाह। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप लगते हैं 50 हजार रुपये, 12वीं के 12th लेवल पर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपकी सैलरी जो है 45 से 46 हजार रुपये फर्स्ट मंथ में होती है, और हर साल 3-4 हजार रुपये का इंक्रीमेंट होता है। तो यही आपको फिर 2-3 साल 50 हजार प्लस हो जाती है, और प्लस में 7 साल या 10 साल के बाद एक आपका जो है पे कमीशन आता है, इसमें सैलरी में 25 या 30% या फिर 100% 50% इंक्रीमेंट होता है 10 साल के अंदर या 8 साल के अंदर। तो जो 50 हजार है, 75-80 हजार रुपये सैलरी पहुंच जाती है फिर, क्लियर है। और बाकी मेडिकल फैसिलिटीज तो रहती है कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप हमें इलाज करवाते हैं तो वो पे गवर्नमेंट करती है, क्लियर है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज एक्स्ट्रा आ जाती है। रिटायरमेंट पर आपको जो है 2-2.5 करोड़ रुपया लमसम आपको जो आपके पैसे कटते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो सारी जो है फैसिलिटीज रहती है, रहने के लिए सरकारी क्वार्टर तो देते ही हैं, और प्लस में आपके बच्चे अगर हैं और वो कोई क्लासेस वगैरह पढ़ रहे हैं तो 50-60 हजार रुपये उसके अलग से मिलते हैं ट्यूशन फीस वगैरह के। प्लस में अगर आपको साल में घूमने के लिए ट्रिप आपको करना है तो ट्रिप का एक्सपेंस आपको अलग से मिलता है, उसको आप लगा दे, कहीं घूमने गए और आपने जो पैसा खर्च हुआ वो आपने डिटेल गवर्नमेंट को दे दी, गवर्नमेंट आपकी सैलरी में अटैच करके वो पैसा आपको रिफंड कर देगी और छुट्टी आपको अलग से देगी उस चीज के लिए। तो सारी फैसिलिटीज है सरकारी नौकरी के, क्लियर है बात, समझे आप लोग। आप लोग की किस्मत अच्छी है कि अभी आप लोग अंडर ग्रेजुएट हो, आप पे समय है भैया, तब तैयारी कर लो सरकारी नौकरी की। मैं तो कह रहा हूँ बच्चे लगते हैं, बहुत बच्चे लगते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो बात करते हैं यहाँ पर हम कंपटीशन क्रिएट्स अमंग्स द बायर्स। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि भैया इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, खासकर गरीबों के लिए सही नहीं है। गरीब इसको, अमीर तो झेल जाते हैं बट गरीब नहीं झेल पाता है इसको। तो अब इस महंगाई को कैसे रोका जाए देश में, इस महंगाई को रोकने के लिए क्या करेंगे हम, इस महंगाई को रोकने के लिए हम फिस्कल पॉलिसी का यूज करेंगे। क्या फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है बच्चे, फिस्कल पॉलिसी क्या है? रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम के थ्रू, हम रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम, फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम, जो कि बजट में सरकार बताती है कि भाई हमारे रिवेन्यू ऐसे ऐसे जनरेट करेंगे हम। अब रिवेन्यू का प्रोग्राम कहां से, क्या प्रोग्राम है रिवेन्यू, सरकार बोलती है हम इतने जीएसटी लेंगे, हम जीएसटी बढ़ा रहे हैं, हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, क्लियर है जी, हम अब इस चीज पे भी टैक्स लेंगे, अब हम फोन पे पेटीएम में जो ट्रांजेक्शन होगा उस पर भी हम टैक्स लेंगे। तो सरकार अपने जो है रिवेन्यू प्रोग्राम बताती है कहां कहां से पैसा आएगा, और एक्सपेंडिचर प्रोग्राम भी बताती है कि हम स्कूलों पर खर्च करेंगे इतने, हम जो है यूनिवर्सिटीज बनाएंगे इतने, हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे इतने, हम रोड बनाएंगे, हम ये डिफेंस में इक्विपमेंट्स लेकर के आएंगे। तो इसे को कहते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम से किस तरीके से महंगाई को रोका जा सकता है, सवाल ये है, ध्यान से समझ लीजिए क्या क्वेश्चन है, कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम से इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो समझिएगा, पहले आप इन्फ्लेशन का आप समस्या समझिए, समस्या क्या, इन्फ्लेशन का कहां से शुरुआत हुई, इसको इसकी जड़ क्या है, इसकी जड़ यह है कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, इसकी वजह से परचेसिंग पावर ज्यादा हुई, डिमांड ज्यादा हुई, कंपटीशन क्रिएट हुआ, बायर्स में प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई, यही समस्या था। तो इसका जड़ कहां है, पैसा लोगों के पास में ज्यादा होना। अब सरकार ये थोड़ी बोलेगी, पुलिस वालों को बोलेगी घर में जाकर डकैती डालो, लोगों के पैसा निकाल लो, ऐसा थोड़ी पॉलिसी बनाएगी। पुलिस वालों को बोलेगी कि जाओ लोगों के घर में तिजोरियां लूट लो, जिससे कि पैसा कम हो जाएगा, परचेसिंग पावर कम होगी और एक्सपेंस कम करेंगे, डिमांड कम होगा और इन्फ्लेशन, ऐसे ये थोड़ी होगा, पार्लियामेंट में ऐसी थोड़ी बात कर सकते हैं, या फिर ये काम थोड़ी करने के लिए पुलिस है, ये तो नहीं होगा, या फिर ऐसे थोड़ी होगा मार्केट में सब्जी मंडी में पुलिस वाले घूमेंगे डंडा लेकर के, क्या टमाटर ले रखा, ज्यादा ले रखा है, रख तेरे से महंगाई हो रहा है, मुर्गा बन जा, तेरे पास में क्या है, आलू चल साइड में मुर्गा बन, ऐसे थोड़ी डिमांड कंट्रोल करेंगे। आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों की डिमांड को कंट्रोल करना है, और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी आप मार्केट में पुलिस वालों को छोड़ देंगे, जो भी डिमांड उमांड करता है उसको पकड़े जेल में डाल दो, नहीं बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब पैसा भी जोड़ जोर से तो आप लोगों से निकाल नहीं सकते, कहीं भी मिल गया पकड़ा और जेब से पैसा निकाल लिए, ये दोनों काम सकता ना, सरकार तरीके से काम करती है ना अपने। सरकार क्या करेगी, सरकार को बोलेगी अच्छा महंगाई बढ़ रही है
ओहो, लोग डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, पैसा है इनके पास में, एक काम करते हैं, इससे पैसा कम करते हैं इनकी जेब से। अब कैसे कम करेगी वो समझिएगा। सरकार बोलेगी टैक्स बढ़ा देते हैं ना, टैक्स इंक्रीज कर देते हैं। टैक्स क्या है? एक फिस्कल पॉलिसी तो है, रेवेन्यू प्रोग्राम तो है। तो कहेगी टैक्स बढ़ा देते हैं। क्या होगा? पहले मैं 10% टैक्स ले रहा था, अगर 1 लाख रुपए की तनख्वाह पर मान लो, तो 90,000 रुपये खर्च करने के लिए बच रहे थे। अगर मैं 20% टैक्स लेता तो इस पे खर्च करने के लिए 80,000 बचेंगे। तो टैक्स रेट इंक्रीज करने से डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, जिसके पास में इसका जो है एक्सपेंस करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगा। क्लियर है? और क्या करेगी सरकार, सरकार अपने एक्सपेंसेस को कम कर देगी, ओल्ड एज पेंशन रोक लेगी। भैया हम इतने पैसे भर रहे हैं तुम्हारे ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, हम स्कूलों में बच्चों को जो स्कॉलरशिप के लिए पैसे दे रहे हैं, और हम यहाँ वहां पैसे सबको बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, इससे इन्फ्लेशन आ गया है। तो सरकार अपने एक्सपेंसेस को कम करेगी। क्लियर है? पेंशन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगी, सब्सिडी को रोकने की कोशिश करेगी सरकार। तो सरकार लोगों को सस्ता पड़ रहा है, लोगों के पास में पैसा बच जाता है, लोग फिर अदर दूसरी चीजों पर टूट के पड़ते हैं, इससे इन्फ्लेशन आ रहा है। लोग कहेंगे नहीं भैया हम सब्सिडी नहीं देंगे, सिलेंडर सब्सिडी हटा दी। क्लियर है जी? तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले अपने टैक्स को बढ़ा देगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कम कर देगी। ये कुछ फिस्कल पॉलिसी है, ये रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम ही तो है जिससे कि हम लोगों के परचेसिंग पावर को कम कर पा रहे हैं। समझिए बच्चे क्या कहता है, देखिए समझिए। फिस्कल पॉलिसी रेफर टू द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। क्या है ये क्या है? ये रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी है अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। कि भैया प्राइस ना तो बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए, प्राइस स्टेबल रहना, घटना नहीं चाहिए प्राइस। आपको सर की घट रहे में क्या समस्या है, बताऊंगा, उसे रिसेशन कहते हैं, अगली कक्षा में जाएंगे, आज टाइम हो गया है पर फिर भी मैं इसको खत्म कर रहा हूं बस। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पॉलिसी अडॉप्ट करती है। गवर्नमेंट टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी इज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी of the government that influences the economy. It is the means by which the government adjusts its spending levels and tax rates to the monitor and influence our national economy. National economy को ये influence कर सकती है। Fiscal policy is the policy under which the desirable effects and the avoid the undesirable effects on the national income. जैसे कि अब क्या इससे काम करेगी taxation. टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ द रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन केस ऑफ द इन्फ्लेशनरी गैप दैट रिजल्ट इन द एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट इम्पोज द हाई रेट ऑफ द टैक्सेशन ऑन द हाई इनकम अर्न, इट ब्रिंग द डाउन ऑफ द परचेसिंग पावर टू द पीपल पोजेसिंग द एक्सेस मनी। दिस फर्दर हेल्प द ब्रिंगिंग डाउन द लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड दस हेल्प द फिलिंग इन इन्फ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द सिचुएशन द इन्फ्लेशनरी गैप गवर्नमेंट द कटेज इट्स ऑन एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को कम करती है इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन ऑन द लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। वही बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है? कुछ नई बातें नहीं है बच्चे मेरे, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? पब्लिक बोरोइंग, सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है लोगों से उधार लेना शुरू करती है, बोलती है हम आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, हमें उधार दे दो, हमें उधार दे दो। क्योंकि सरकार चाहती है लोगों का पैसा सरकार के पास में आ जाए और इसका कुछ समय के लिए डिमांड करना इसका रुक जाए। अब आपके पास में 1,000 रुपये, आप जा रहे थे मार्केट में शर्ट खरीदने, मैंने कहा यार मुझे दे दे 1,000 रुपये, मैं 1,500 रुपये ले लियो मेरे से कल। आपको कोई ले यार शर्ट बाद में ले लूंगा, ले 1,000 रुपये ले। तो क्या हुआ, डिमांड रोक दी नहीं आपकी, मैंने रोकी। तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट इस समय जो है अपने डिवेंचर के जो रेट्स है वो बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आइए हम आपको जो है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो पब्लिक अपना पैसा डिवेंचर पे लगाना शुरू कर देती है और इससे पब्लिक बोरिंग कहते हैं इसे। और इससे क्या होता है, लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी और डिमांड कम होगी। गवर्नमेंट डेब्ट और द पब्लिक बोरिंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ द मनी दैट हैज बीन द बोरोड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू द फिल इन्फ्लेशनरी गैप। द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द पब्लिक बोरोइंग इन द ऑर्डर टू डील विद द एक्सेस मनी विद द पब्लिक। द मेन आइडिया बिहाइंड इज द ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है, बात समझिए। डेफिसिट ऑफ फाइनेंसिंग, डेफिसिट ऑफ फाइनेंसिंग क्या होता है, सरकार पैसे छापने कम कर देगी, करेंसी इशू करना कम कर देगी, जिससे परचेसिंग पावर कम हो और डिमांड को कम किया जा सके। भैया बताइए आज जो पढ़ाया है वो आपका अभी तक समझ में आया या नहीं आया?
अगले अगली कक्षा आएगी जो हो वो रिसेशन पे बात करेंगे। क्लियर है भैया, बात समझे?